गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्पलीटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर सिक्स आर्टिकल्स जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट आर्टिकल्स ए एन एंड द नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर ट्वेंटी सेवन इन द ब्लैंक्स विद ए और एन तो हमें यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स विद ए एंड ए एन सो फर्स्ट वन इज़ डैश ऑस्ट्रेच सो ऑस्ट्रेच का जो ओ है इट इज़ गिविंग अ वॉवल साउंड ओ वॉवल है तो जब भी हम वॉवल वर्ड का जो फर्स्ट लेटर वॉवल होता है उसमें हम यूज़ करते हैं आर्टिकल एन तो हम फर्स्ट वाले में लिख देंगे एन ऑस्ट्रेच देन सेकेंड वन इज डैश बूट तो बी है यहाँ पे वी नो दैट इट इज़ गिविंग अ कॉन्सोनेट साउंड बी कॉन्सोनेट वर्ड है तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर्टिकल ए डैश नोज नोज इज़ नोज का जो एन है इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्सोनेट सो कॉन्सोनेंट के साथ हम यूज़ करते हैं आर्टिकल ए डैश हाउस हाउस का जो एच है इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट तो यहाँ पर हम लिख देंगे अ हाउस डैश ईयर ईयर का जो ई है इट इज़ गिविंग अ वॉवल साउंड तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर्टिकल ए एन एंड ईयर देन सिक्सथ वन इज टेट पोल टी इज गिविंग अ कॉन्सोनेट साउंड सो विद द कॉन्सोनेंट साउंड वी आर यूजिंग आर्टिकल ए देन सेवेंथ वन इज डैश पैग इट इज़ ऑल्सो गिविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड तो यहाँ पर भी आ जाएगा आर्टिकल ए डैश आर्मी तो यहाँ पे ए इज़ अ वॉबल तो यहाँ हम लिख देंगे एन आर्मी यहाँ पे अगेन आर्मी दिया हुआ है टू टाइम्स तो हम यहाँ पे एन ही लिख देंगे डैश ऑक्स एन ऑक्स डैश फॉक्स फॉक्स डैश पियर अ पियर सो हे आर वी हैव फिल द आर्टिकल्स विथ ए और एन यहाँ पे द का यूज नहीं था इसीलिए हमने यहाँ पे द आर्टिकल का यूज नहीं किया है एंड वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर ए एंड फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर ए फर्स्ट सिक्स वर्ड्स यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश ग्रामर कॉपी

तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आर्टिकल ए का अ अूमेन देन नेक्स्ट वन इज़ डैश हिमालयास तो जब हम किसी माउंटेन रेंज रिवर्स की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द का तो हम यहाँ लिख देंगे द हिमालयास फोर्थ वन इज़ बर्ड तो यहाँ पे आ जाएगा अ बर्ड डैश आयरन सो फर्स्ट वन यहाँ का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ वॉवल तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन आयरन डैश ताजमहल यहाँ पे ताजमहल इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस फेमस बिल्डिंग तो फेमस बिल्डिंग है इन सब नामों के साथ हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द तो यहाँ पे हम लिख देंगे टी एच ई द डैश इंक पॉट तो इंक पॉट में वी कैन सी जो फर्स्ट लेटर है दैट इज वॉवल इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे एन इंक पॉट डैश यूनिवर्स यूनिवर्स एक ही है इट इज़ नॉट मोर देन वन इट इज़ ऑफ वन काइंड तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे द यूनिवर्स डैश ईगल ई इज़ अ वॉवल यहाँ हम यूज़ करेंगे एन ईगल डैश मून इट इज ऑल्सो ऑफ अ वन काइंड द मून नाउ कम टू द एलेवेंथ वन डैश बॉल तो यहाँ पे हम लिख देंगे अ बॉल बिकॉज बी इज अ कॉन्सोनेंट डैश इग्लू तो यहाँ पे जो आई है इट इज़ अ वॉवल एन इग्लू डैश आउल यहाँ पे ओ इज ऑल्सो अवेल तो यहाँ हम लिख देंगे एन आउल डैश बाइबल इट इज अ नेम ऑफ अ फेमस बुक तो यहाँ हम लिखेंगे द बाइबल डैश नाउन अ नाउन बिकॉज एन इज गिविंग अ कॉन्सोनेट साउंड डैश पिजन अ पिजन जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट साउंड दिख रहा है वहाँ पे हम ए का यूज़ कर रहे हैं नाइल इट इज़ ऑल्सो अ नेम स्पेशल नेम द नाइल डैश सतलज इट इज़ ऑल्सो सतलज डैश टेलीफोन अ टेलीफोन एंड वॉल वॉल भी एक ही पर्टिकुलर वॉल होती है द वॉल So here we have completed our chapter number six, both the exercises, exercise A and B. and from exercise number a you are going to write six and uh, six words. and from exercise number B you are going to ten, write ten words, first ten words in your English grammar copy and here our chapter is completed.